पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सर्राफा व्यापारी से 60 लाख रुपए की लूट के मुख्य आरोपी सहित दो को किया गिरफ्तार। बावल उपमंडल के गांव ओड़ी गांव का निकला आरोपी दीपक। पुलिस ने रखा हुआ था 50,000 का इनाम। 16 दिन बाद पकड़ा गया आरोपी। 60 लाख का सोना भी किया बरामद। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के लंबे हाथ एक न एक दिन उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ विगत 28 अप्रैल को रेवाड़ी के सर्राफा व्यापारी से दिनदहाड़े पिस्टल की नोक पर लाखों की ज्वेलरी लूटने वाले आरोपी के साथ, जो अब अपने एक सहयोगी सहित लूटे गए जेवरातों के साथ 16 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और लूटे गए 60 लाख कीमत के जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस उपाधीक्षक अमित भाटिया ने बताया कि 28 तारीख को हुई यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उसे आधार बनाकर पुलिस आगे बढ़ी और टीम गठित कर टेक्निकली मदद से आज जिले के गांव ओड़ी निवासी मुख्य आरोपी दीपक को उसके सहयोगी सहित गिरफ्तार कर लिया गया। सहयोगी आरोपी भी उसी गाँव का रहने वाला है जिसकी बाइक को आरोपी दीपक ने वारदात में प्रयोग किया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी पर काफी कर्जा था जिसे चुकाने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 28/4/2023 को शहर के सर्राफा बाजार रिवाड़ी में पिस्तौल के बल पर एक जूलर्स हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया आरोपी द्वारा। पुलिस अधीक्षक श्री दीपक सहारन IPS ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद सीन ऑफ क्राइम को विजिट किया। सभी जो फॉरेंसिक हमारी जो टीम्स हैं वो गई और एज पर जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हमारा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए इस केस को हमने रजिस्टर किया और रजिस्टर करके इसका अनुसंधान शुरू किया। SP साहब के दिशा निर्देश में एक SIT टीम का गठन किया गया इस केस में, और जिसमें हमारी जो CIA टीम्स हैं, CIA रिवाड़ी जो इंस्पेक्टर सुमेर हैं इनको लिया गया, ऐसे ही CIA धारूहेड़ा की जो हमारी टीम है, इंस्पेक्टर सत्येंद्र हैं और सब इंस्पेक्टर सुभाष इनको लिया गया, और SHO सिटी श्री विद्यासागर सब इंस्पेक्टर इनको लिया गया, और मेरी अध्यक्षता में ये टीम बनी और टीम ने बड़ी गहराई से इस मामले की जाँच की। और क्योंकि बड़ा ही ब्रॉड डे लाइट में ये वारदात को अंजाम किया गया था तो पुलिस के लिए भी चैलेंज था ये, और पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की। जो साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन जो टेक्निक्स हैं हमने उनका प्रयोग किया, इसमें रिवर्स प्लानिंग की गई, पूरा जो आरोपी है उसका एक रूट मैपिंग की गई और ये पाया कि जो भी अपराधी है जो इस वारदात में सम्मिलित है, उस व्यक्ति को जो रोड्स हैं इस जिले के और जो रास्ते हैं उनका भली भांति ज्ञान है। तो यह भी एक पाया कि कोई ना कोई व्यक्ति जो कि ड्राइविंग के पेशे से जुड़ा हुआ है, उसने हो सकता है कि उसी ने ये वारदात अंजाम दी है। तो जो वेरियस जो ग्रुप्स थे उनको स्टडी किया हमने, कुछ गाँव में हमने उसके बाद एक सूची बनाई और सूची बनाकर कॉम्बिंग ऑपरेशन हमने कैरी आउट किए कई विलेजेस में, और इस कड़ी में हमें सफलता प्राप्त हुई। जो मुख्य आरोपी है उसको हमने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी है दीपक पुत्र सीताराम और ये गांव ओडी के रहने वाले हैं, थाना क्षेत्र बावल के। और एक हमने इसमें एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया है, श्री युद्धवीर पुत्र उर्फ जगबीर पुत्र घनश्याम। तो दो व्यक्तियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। और जो ये घनश्याम कहाँ का है? घनश्याम भी ओडी गांव से ही है, PS बावल। और जो आरोपियों से जो प्रथम जो प्रारंभिक हमने जो जांच की उसमें जो मुख्य आरोपी है दीपक, इससे हमने पूछताछ की, तो पूछताछ में इसने डिस्क्लोज किया कि इसने कहाँ पर जो गोल्ड ज्वेलरी जो लूटी थी वो कहाँ पे छुपाई है, और एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए विद प्रॉपर वीडियोग्राफी
और हमने जो लूट का जो सामान है गोल्ड है वो रिकवर किया है। करीबन 1 किलो ये गोल्ड है और इसकी करीबन 60 लाख रुपए इसकी कीमत है। दोनों ही आरोपियों को माननीय अदालत में हम पेश करके इनका उचित पुलिस रिमांड हम सीख करेंगे और मामले की गहनता से और आगे जांच करेंगे। जैसा कि आपने पूछा, हमने जो आरोपी तक साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन हमारी टेक्निक्स होती हैं और एक हमने रिवर्स प्लानिंग एक हम करते हैं इसमें, जिसमें हम पूरा उसका जो मैपिंग करते हैं कहाँ से आया कहाँ से गया, उस माध्यम से हमने जैसा कि मैंने बताया हमें शक हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लोकल है, जिसको भली भांति रूट्स का पता है और हो सकता है कि ये ड्राइविंग के पेशे से जुड़ा हो। तदात जो है एक ही व्यक्ति ने ये अंजाम दी है। जो दूसरा व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया युद्धवीर, इसकी बाइक का प्रयोग किया गया है और बाकी इसकी इनका भी हम पुलिस रिमांड सीख करके जो भी आगे की गहनता से जांच करेंगे। पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड आप प्राइमा फेसाई कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट अपराधी का नहीं आया है और अभी तक यही सामने आया है कि जो अपराधी है, जो मुख्य अपराधी है, इसने एक रेंडमली इस शॉप को सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करके इसने इस वारदात को अंजाम। अभी तक की जो हमारी जांच है उसमें यह आया है कि जो आरोपी है दीपक, ही वाज अंडर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो इस पे काफी कर्जा था और उसको कर्जे के चक्कर में इसने इस वारदात को, एक टैक्सी चालक है, ड्राइविंग करता है बावल क्षेत्र में और वही इसका पेशा है। अभी तक की जो हमारी जांच है उसमें यही आरोपी आया है, फॉर द फर्स्ट टाइम आया है, क्योंकि ये लोकल है, इसको बाजार का और जो जो रिवाड़ी के जो जो रोड्स हैं सड़कों का अच्छे से ज्ञान है, तो इसने रेंडमली उस शॉप कीपर को माननीय अदालत में इसको हम पेश करेंगे और एज फार एज जो इसने जो वेपन यूज किया है या जो बाइक यूज की है और इन सभी चीजों को हम रिकवर करेंगे। जो आरोपी है सेक्टर 26 रिवाड़ी का ही रहने वाला है और पैतृक गांव इनका ओडी है जो अक्यूज का, और जिस दिन इसने वारदात की है ये वारदात के बाद अपने घर पे ही आके एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा और हमें जो सूचना थी, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इस तक पहुंचे हैं और फिर हमने इसको जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, एक हमारा प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो भी केस प्रॉपर्टी को सीज करते हैं तो उसका प्रॉपर एक हम सीजर मेमो बनाते हैं और उसकी हम शिनाख्त करवाते हैं जो विक्टिम होता है कंप्लेनेंट, तो कंप्लेनेंट से हमने इसकी शिनाख्त करवा दी है और कंप्लेनेंट ने ये शिनाख्त करके कहा है कि उनका जो गोल्ड गया था वो पूरा का पूरा वापस आ गया।